नमस्कार, आप सभी का स्वागत है करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों को बोर्ड पे एक थीम दिख रही होगी, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2023। 21 जून 2023 को विश्व भर के बहुत सारे देश योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ष 2014 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक प्रस्ताव दिया कि क्यों ना शरीर को फिट रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए योगा दिवस के रूप में एक दिन को चुना जाए। यूएन ने यह प्रस्ताव मान लिया और 2015 में भारत में पहली बार योगा दिवस मनाया गया। तब से लेकर आज तक 21 जून को हर साल विश्व भर के कई सारे देश योगा दिवस मनाते हैं या योग दिवस मनाते हैं। अगर आप लेटेस्ट बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर हैं और 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी 180 देश के प्रतिनिधियों के साथ योग दिवस को मनाएंगे और वहां से आपको कई सारी न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में कई सारी फोटो मिलेंगी। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं जो योग डे से संबंधित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी लिख रखा है योग दिवस। योग दिवस की बात करें तो सबको पता होना चाहिए कि योग दिवस जो है वो हम 21 जून को मनाते हैं। 21 जून को योग दिवस मनाने के पीछे एक कारण भी है। 2023 में जब हम योग दिवस मना रहे हैं तो इस बार का हमारा 9वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण। इस बार का 9वां संस्करण है। इससे पहले अनवरत रूप से वर्ष 2015 से पहला वाला योग दिवस 2015 में मनाया गया था। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं कि योग दिवस मनाया क्यों जाता है, योग दिवस मनाया क्यों जाता है, उसका एक कारण है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ हमारी पृथ्वी पर जो दो गोलार्ध हैं उसमें उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो दिन होता है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन अगर मैं बात करूं तो वो 21 जून को होता है। और 21 जून को जो सूर्य होता है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिण की ओर अर्थात पृथ्वी पर खिंची हुई एक और काल्पनिक रेखा मकर रेखा की ओर चला जाता है। हमारे प्राचीन परंपराओं के अनुसार यह जो दिवस है आज के दिन से सूर्य 21 जून के दिन सूर्य दक्षिणायन होता है और वो हमारे लिए शुभ कार्य के लिए या मैं कहूँ अपनी पुरानी परंपराओं में इस चीज़ को, इस अवसर को अच्छा माना जाता है। इसीलिए भारत ने ही सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को यह प्रस्ताव दिया था जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो इसलिए 21 जून का दिन चुना गया और 21 जून 2023 को हम 9वां योग दिवस मना रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खास बात है इस बार की थीम क्या है। इस बार की थीम मैंने लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग जो है, वसुधैव कुटुंबकम का आपको अर्थ पता है कि पूरी धरती एक परिवार है और इसके लिए योग। यदि किसी शरीर को आपने ऐसा सुना भी होगा और किसी ने कहा भी है कि बढ़ते हुए शरीर को रोकने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, हमें योग करना चाहिए, मन को शांत रखने के लिए, मन को एकाग्रचित रखने के लिए योग आवश्यक है। इसलिए इस बार की थीम है पूरी धरती के लिए योग। ये तो हो गया आपका इस बार का करंट अफेयर से संबंधित अगर कोई फैक्ट पूछा जाएगा तो हो जाएगा। आइए थोड़ी और बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और इस बार आने वाली भर्तियों में ये क्वेश्चन हो सकता है, प्रथम संस्करण कब मनाया गया, तो 21 जून 2015 को प्रथम संस्करण मनाया गया। ठीक है, अगली लाइन में मैंने लिखा है इसका प्रस्ताव मैंने 2014 में भारत मुख्य रूप से वह देश जिसने योग दिवस के लिए सबसे पहले बात रखी है, संयुक्त राष्ट्र के सामने योग दिवस के लिए सबसे पहले बात रखने वाला देश कौन सा है? भारत। इस बात को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा की कि हम 2015 से प्रथम योग दिवस मनाएंगे। तो पहला योग दिवस कब मनाया गया? 2015 में। इस बार कौन सा योग दिवस मना रहे हैं? 9वां योग दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले अब हमारे एक इतिहास का पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। हमारे यहाँ अगर आप वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे उसमें हमको एक शास्त्र पढ़ना पड़ता है या मैं कहूँ कि हमको दर्शन का अध्ययन करना पड़ता है और सबको पता है कि दर्शन की संख्या कितनी है, 6, जिसमें न्याय का नाम सुना होगा, पूर्व मीमांसा सुना होगा, उत्तर मीमांसा सुना होगा, वैशेषिक सुना होगा, योग सुना होगा। तो योग जो दर्शन है उसके जो प्रवर्तक महोदय हैं उनका नाम है पंतजलि। इन्होंने योग के 195 सूत्र दिए थे, इन्हीं 195 सूत्रों को मिलाकर योग दर्शन बना है और वहीं से एक योग निकलता है और इसी योग दिवस को हम हर साल 21 जून को सीधा कहें तो योग दिवस के रूप में इसको
मनाते हैं। और भारत सरकार के कई ऑफिस, भारत सरकार के कई स्कूल, बहुत सारे जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं, वहाँ 21 जून के दिन विधिवत रूप से योग दिवस मनाया जाता है। तो इस बार के लिए आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा इसकी थीम क्या थी। अगर मैं जल्दी से बात करूँ तो इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ठीक है, कब मनाया जाता है और कौन सा संस्करण, आप इसको याद रखेंगे। अगला, पहला वाला कब मनाया, तो 21 जून 2015 को मनाया। प्रस्ताव कब आया, 2014 को आया। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। और आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं, शरीर मन को एकाग्रचित बनाना चाहते हैं, मन को शांत में रखना चाहते हैं, तो योग ज़रूर करें। सभी लोग योग करें। योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं आगे किसी वीडियो